बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे बच्चों, गांव वालों, ये स्कूल और गांव के सब स्कूल तब आबाद होंगे जब आप उसकी खुद निगरानी करेंगे। बच्चे आपके, गांव आपका, स्कूल आपका, सब आबाद रहेगा जब आप खुद इसकी निगरानी करेंगे, उस्तादों का दिल से एहतराम करेंगे, बच्चों की हाजिरी यकीनी बनाएंगे। हर गांव में वालदेन, स्कूल और बच्चों की निगरानी इबादत समझ के करेंगे तो फिर हर गांव में, हर शहर में इस कौम, इस मुल्क के हकीकी वारिस ही पैदा होंगे और कायदे आजम के पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला हम सब मिलके पाक आस्तान बनाएंगे। जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। अब मैं आपसे अपील करता हूँ कि आओ उस बच्चे का शानदार इस्तकबाल करें जिसने हमें जाहिल और जानवर होने से बचा लिया, जिसका बाप इस गांव और बराबर वाले शहर से डिग्री हासिल करके जब शहर नौकरी हासिल करने गया उसके वालदेन उस दुख में फौत हो गए और यहाँ बेरोजगारी से लड़ते लड़ते और बच्चे को समझाते समझाते शहीद हो गया, मगर इस नन्हे फरिश्ते को जब उसके वालिद ने मजबूर होकर दहशतगर्दों को बेच दिया और वो जब उसे बाग जन्नत में भेजने की तैयारी कर रहे थे, अब जाओ बाग जन्नत में। मेरा असली बाग जन्नत तो मेरा स्कूल है। तुम नहीं जाएगा? नहीं, हमने पैसे दिया है। तुम्हारा बेटा गया है बागे जन्नत में। मेरे बेटे, भागो भागो यहां से। आओ अपने गांव के होनहार बागैर बाहिम्मत हीरो से मिलें, जान आज भी खतरे में है मगर उसका ये यकीन है अल्लाह पाक चाहता है उसका बंदा हमेशा जिंदा रहे, शहीदों वाले काम करे, यही अशरफुल मखलूकात का मकसद और फलसफे हयात है। पैदा हुआ और मर गया ये तो जानवर की जिंदगी है और उस बच्चे की हमेशा ये दुआ थी। इल्म बड़ी नेमत है, जो इल्म हासिल नहीं करता वो बड़ा जाहिल और जानवर है। अल्लाह साईं मुझे जाहिल और जानवर मत बना, मेरा स्कूल खोल दे। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की, जालिम मर गया, बाप शहीद हो गया और खुद गाजी बन के हमारे पास आ गया है, इल्म की रोशनी लाया है। आओ उस बच्चे का तालियों की गूंज में भरपूर इस्तकबाल करें। आओ बेटा यावर।
जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान। मेरे भाइयों और बहनों और गांव वालों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करना चाहिए, अल्लाह का कलाम समझना चाहिए। मेरे साथ मिलकर सूरह फातिह जो सात आयतों पर मुश्तमिल है, और अल्लाह ने नबी पाक को ये तोहफा दिया था हमारे लिए, हमारी हिदायत के लिए। पहले मुल्क सूरह फातिह की बामैना तिलावत करें, कुरान को पढ़ना हिफ्ज करना सवाब है, मगर सच्चे मुसलमान तब बनेंगे जब पूरा कुरान समझेंगे। कुरान को हम मतलब से पढ़ेंगे तो ही कुरान पर अमल कर सकेंगे। मुल्क की अक्सरियत मुसलमान होने के बावजूद हम कुरान की माना से ना आसना है। जरूरी है कि हम ये समझें कि इस हिदायत के किताब में अल्लाह हमसे क्या चाहता है। आओ पहले सूरह फातिह के तीन आयतें याद कर लेते हैं, मेरे साथ पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन, हम्द तेरे लिए है तू आलमीन का रब है, अर्रहमानिर्रहीम, तू बड़ा रहमान रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, तू कयामत के दिन का मालिक है। जब मुझे भागे जन्नत वालों के पास बेचा गया और मैंने उस खरीदार से कहा कि मेरा असली भागे जन्नत तो मेरा स्कूल है जहाँ से मैं कायदे आदम अल्लामा इकबाल जैसी हस्तियाँ पैदा करूँगा। गांव को जानने वाले अब शहर में भत्ता ही भरते रहेंगे। हराम कमाने वाले को दुनिया में भी सजा मिल गई है और आखिरत में भी दोजख में जाएंगे। मेरे शहीद बाबा ने इस गांव से तालीम हासिल की थी, मगर शहर की तालीम हमारे नसीब में नहीं है क्योंकि वह महंगी है। और वो दौलत जो वालदेन उन पर खर्च करते हैं ज्यादातर हराम की होती है, इसलिए वो पहले वालदेन की लागत निकालते हैं और फिर अपने बच्चों के लिए रिश्वत लेते हैं। अपने बच्चों का एलाल तालीम दिलवाने बाहर भेजते हैं। हराम खा के हराम कमा के जो औलाद पैदा करेंगे वो कैसी होगी? कुरान समझे बगैर अल्लाह के प्रोग्राम पे कैसे चलेंगे? सच्चे मुसलमान कैसे बनेंगे? आज अल्लाह रसूल की बातें कोई नहीं सुनता। वालदेन की नसीहत औलाद पे असर ही नहीं करती, बल्कि सारी दुनिया मीडिया को ही आज का सबसे बड़ा पावर समझती है और उसी का काम मानती है। मैं हर टीवी चैनल पे जाऊंगा, हर प्रेस क्लब पे जाऊंगा, हाथ जोड़ के सबसे कहूंगा खुदा के वास्ते पाकिस्तान पे रहम करो। मीडिया को बोलूंगा पाकिस्तान की अच्छाई और खूबसूरती आपको नजर नहीं आती, खुदा के वास्ते इस वतन के बुराइयों को नमाया करना छोड़ दो, अच्छाइयों को ले आओ। हकीकत दिखाने के बहाने पाकिस्तान की जड़ें कमजोर न करो। कायदे आदम ने फरमाया था हम सब एक के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के रहेंगे भाई भाई। सारे झंडे उतार दो, एक पाकिस्तान का झंडा रखो, कम से कम 5 साल के लिए तो ऐसा करो। जाओ एक मुसलमान एक पाकिस्तानी बन जाओ, छोड़ दो फिरका परस्ती, छोड़ दो कौम परस्ती,
पहले अल्लाह को पहचानना है तो खुद को पहचानो, अपने आप पर रहम करो, अपने बच्चों पर रहम करो, अपने नस्ल पर रहम करो, कुरान की माना पढ़ो, उस पर अमल करो। हम अल्लाह और उसके रसूल की मदद से उसकी जड़ें उखाड़ देंगे, जो उस वतन की जड़ें कमजोर करेगा। इस वतन को हम आप मिलके असली बागे जन्नत बनाएंगे। ये वतन हमारा है, हम मेरे पास बान इसके। कश्ती